नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जिस पर आपको लगातार फिजिकल एजुकेशन की जानकारी आगे मिलने वाली है। आज का हमारा पहला वीडियो नए YouTube चैनल का नया वीडियो है। जो पीछे का चैनल है वो किसी कारण से किसी ने हैक कर लिया, इस कारण से उसके ऊपर अब वीडियो नहीं आ पाएंगी। तो इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर रखा तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, उसको फॉलो मत कीजिए। हमारे नए चैनल से जुड़िए, आपको नई जानकारी इस चैनल के ऊपर मिलेंगी और सारे अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं। ये जिस भी कारण से वह जो भी हो उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन आज का हमारा पहला वीडियो YouTube चैनल का पहला ही वीडियो जिसमें हम अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, तो ध्यान से के क्वेश्चन को देखना। वैसे तो ये क्वेश्चंस मैंने उस चैनल पे भी करवाए थे, लेकिन हमारी नई शुरुआत है तो हम फर्स्ट पार्ट से इसको शुरू कर रहे हैं दोबारा, और लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। और मैं फिर कहूँगा, नया यूट्यूब चैनल है, अभी तक 200 के आसपास लोग जुड़े हैं, तो कोशिश करें दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर करने की, ताकि जो पुराने हमारे फॉलोअर थे फिर से वो हमारे साथ जुड़ सके नए चैनल से, और उनको भी अवेयर करें कि पुराने चैनल को आप अनफॉलो कर दीजिए, नए चैनल से जुड़िए, बिल्कुल नया चैनल है। तो पहला क्वेश्चन है, द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी, ओलंपिक गेम्स कब आयोजित किए जाते हैं? तो हर फोर्थ ईयर में ये आयोजित किए जाते हैं। और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। मतलब डीमोटिवेट तो मैं कल रात को हो चुका हूँ, जब आपके 17,500 फॉलोअर हो चुके होते हैं, अचानक से आपको ऐसी त्रासदी आती है कि आपका पूरा चैनल ही चला जाता है। लेकिन फिर भी हम मेहनत करेंगे अच्छी, और जैसे ही हमारे 1,000 सब्सक्राइबर होते हैं हम लाइव इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कैसे क्या हुआ, और दूसरों को भी अवेयर करेंगे कि वो क्या ना करें। फिजिकल एजुकेशन एज वेल एज स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस्ड ए गोल्डन एज इन विच एनिशियंट कंट्री, तो किस कंट्री में जो फिजिकल एजुकेशन को एक गोल्डन मतलब स्वर्ण युग के रूप में जाना, या किस देश में गोल्डन पीरियड रहा फिजिकल एजुकेशन का? तो ये ग्रीस में था। नेक्स्ट है, हु सर्व्ड एज द प्रेजिडेंट ऑफ IOC फॉर मैक्सिमम ईयर, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसका पूछा कि सबसे ज़्यादा सालों तक प्रेजिडेंट कौन रहा? तो ये कुबर्टिन जो थे आपके, ये सबसे ज़्यादा सालों तक उसके अध्यक्ष रहे थे। फिर है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ IOC, IOC के पहले प्रेजिडेंट कौन थे? कुबर्टिन, ऑप्शन ए। भाई वीडियो को शेयर करते रहें, आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बना, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको फिर से जीवित करने की। मैंने जो मेहनत की, लगभग 400 के आसपास मैंने उसके ऊपर वीडियो डाले, तो मैं सोच भी नहीं सकता उस त्रासदी को, लेकिन फिर भी लाइफ अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या देखना है लाइफ में। तो ये तो छोटी सी एक वो है, तो अभी भी आप जुड़े इसके साथ। सॉरी, जो फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, हु वॉज फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ IOC, तो यहाँ पे आंसर डी होगा इसका, डर्मेटिस विकलिस। मैं माफ़ी चाहूँगा, पिछले क्वेश्चन के फॉलो में कुबर्टिन मैंने आपको बता दिया, लेकिन डर्मेटिस विकलिस जो है इसके फर्स्ट प्रेजिडेंट थे। नेक्स्ट है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर द ओलंपिक गेम्स क्लोज्ड, जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उनकी क्लोजिंग सेरेमनी को कौन मतलब डिक्लेयर करता है, ओलंपिक गेम क्लोज हो गए? तो इसका आंसर आप मेरे को बताएंगे, कौन डिक्लेयर करता है, ठीक है? नेक्स्ट है, पांच नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि मैं पहले भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ, दोबारा वीडियो डाल रहा हूँ। हु सजेस्टेड मॉडर्न पेंटाथलोनियन ओलंपिक्स, मॉडर्न ओलंपिक में जो है पेंटाथलोन किसने सजेस्ट की? तो ये कुबर्टिन की ही सोच थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टेडियम वेयर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन 1896, उस स्टेडियम का नाम बताना है जहाँ पे पहली बार जो है मॉडर्न ओलंपिक 1896 में हुए, तो वो था आपका पेन एथेंटिन स्टेडियम एथेंस, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द एम ऑफ स्पार्टन एजुकेशन वॉज टू प्रोड्यूस, जो स्पार्टन एजुकेशन था उसका क्या उद्देश्य होता था? तो उसका उद्देश्य था वॉरियर्स, योद्धा पैदा करना। नेक्स्ट है, विच सिटी स्टेट एम्फेसिस ऑन द ट्रेनिंग ऑफ वॉरियर्स थ्रू एजुकेशन, जो एजुकेशन के थ्रू वॉरियर्स बनाने की जो ट्रेनिंग है वो कौन से स्टेट या सिटी में दी जाती थी? तो स्पार्टा ही वो सिटी था जहां एजुकेशन का उद्देश्य ही यही था कि अच्छे योद्धा तैयार किए जाएं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, आज मैं 10 ही क्वेश्चन इस वीडियो में करवा रहा हूँ, क्योंकि हमारा पहला वीडियो है, और मैं चाहता हूँ कि इस बार जितने भी कैंडिडेट DSSB या फ्यूचर नेट की तैयारी करें वो स्टार्टिंग में हमारे साथ जुड़ जाएं,
ताकि आगे बीच में सिलेबस ना छूटे, तो वीडियो को शेयर करें आपके पास जितने। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब इस बार स्टार्टिंग से जुड़े। दसवां क्वेश्चन बता दिया, द बॉडी विच कंट्रोल द पार्टिसिपेशन ऑफ टीम इंडिया इन ओलंपिक गेम्स, कौन है वो जो भारतीय टीम को कंट्रोल करती है, जो ओलंपिक में गेम में पार्टिसिपेट करती है। आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है कंट्रोल करती। तो मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से आप सभी जुड़ें, नया चैनल है, नई शुरुआत है। पीछे जो हुआ वो मेरे लिए काफ़ी दुखदाई है, लेकिन हमारे पास कोई और सोल्यूशन है नहीं इस चीज़ का। तो ठीक है, जो भी हुआ, तो आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। इन क्वेश्चंस के माध्यम से मेरे को यही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करनी है कि वो चैनल क्लोज हो चुका है मेरे नाम का, यूट्यूब पे अलम के अब भी मिलेगा, आप उसको अनफॉलो कीजिए होस्ट के। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस वीडियो को लास्ट पे देखने के लिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और लगातार हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।